छोड़ छोटगी और एक बोल रही है मेरे को छोड़ गया मैं बोलता हूँ यार करो ही मतो ना यार सही ना ये सब मैं आपको पहले एक घटना बता देता हूँ उसके बाद मैं अपना शुरू करता हूँ मेरे को ऐसा कोई प्रोग्राम मिलता नहीं है मैं जाता नहीं हूँ कहीं पे भी जाता हूँ तो अपनी कविता की पूरी बड़ास निकालता हूँ पिछले दिनों एक मात्र मेरे को प्रोग्राम मिला मैं वहाँ पे गया प्रोग्राम करने तो मैं आँख मीच के डेढ़ घंटे तक लगा ही रहा साहब जैसे देखा सामने आगे पीछे दाएं बाएं कोई नहीं बैठा था केवल दो जने कुर्सी लगा के बगल में बैठे मैंने उन दोनों को प्रणाम किया मैंने कहा भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे साहस सुना और समझा बोले ज़्यादा चूँ चपट करने की ज़रूरत नहीं है ये तो माइक वाला है मैं टेंट वाला हूँ तेरा बहु गया हो तो चले दे मस्ती का आदमी हूँ साहब मैं कोई ऐसे माथा पौड़ी वाले काम करता नहीं हूँ चोरियों के चक्करों में मैं फँसता नहीं हूँ मैं तुमको सीधी सीधी बात बताता हूँ मैं ज्यादा ज्ञान लड़ा के लिखता भी नहीं हूँ अब मैं आपको सुनाता हूँ आज के दौर में क्या है ये जो सुना रहे हैं ना इनके ऊपर कि भारती कलाल इश्क की कलाई में खड़ा है लेकर के नेट चैट आसिक रजाई में पड़ा है धन्यवाद <गाँगारा> <गारा> कि भारती कलाल इश्क की कलाई में खड़ा है लेकर के नेट चैट आसिक रजाई में पड़ा है कुछ न करने की चाह न खुद की पढ़ाई की फिक्र है माँ की ममता भी रोई न पिता की दवाई का जिक्र है लज्जा भी इनके सामने मुंह मोड़ कर चली गई भाई रोता रहा और बहन डोली बैठ कर चली गई माँ की ममता भी तार तार हो गई श्रवण की कथा भी शर्म सार हो गई अब आपका प्यार चाहिए आखिरी की दो लाइनें <laughs> माँ की ममता भी तार तार हो गई श्रवण की कथा भी शर्म सार हो गई वतन पर नहीं जन सनम पर मरता रहा माँ तड़पती रही और वैस्क करता रहा बहुत बहुत धन्यवाद मैंने कुछ लाइनें लिखने की कोशिश की है माँ बापों के संघर्ष और विद्यार्थियों की नाकामी क्यों पर माँ बाप कितना प्रयत्न प्रयास करके किस आशा के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं शहरों में रहकर उसके ऊपर कुछ लिखने का लिखने लिखने की कोशिश की आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब माँ बाप की भावना क्या है कि पढ़ेगा बेटा बढ़ेगा बेटा सबने यही सुना था हर माँ बाप ने सपना यही बुना था कड़ाके की ठंड में तपती हुई धूप में झेल के हर मुश्किल भेजा हमें स्कूल में दिन तो दिन रात में भी काम किया हमारी स्कूल की फीस का भी इंतजाम किया दिन तो दिन रात में भी काम किया हमारी स्कूल की फीस का भी इंतज़ाम किया शहरों की गलियों में दोस्तों की टोलियों में घूमते रहे तुम परीक्षा के दिनों में माँ बाप की नज़रों में तो तुम हीरो थे अंतिम परीक्षा में अंक तुम्हारे जीरो थे माँ बाप की नजरों में तो तुम हीरो थे अंतिम परीक्षा में अंक तुम्हारे जीरो थे माँ बाप रात दिन खेतों को सींचते रहे और तुम दोस्तों के साथ बैठकर सिगरेट का कस खींचते रहे स्टाइल से काम करना पड़ता है मैं ज्यादा आपके प्राण नहीं पीऊंगा बस थोड़ी सी बात और नहीं सही कह रहे हूं मैं आपको बताऊं मैंने अब देश की राजनीति के ऊपर भी फोकस करने की कोशिश की है हालांकि मेरे को इंग्लिश में फोकस ही शब्द आता और कुछ नहीं आता जो मैं बोल दिया बस कि राहुल गांधी पप्पू नहीं मैं क्या है मैं कोई भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं ना मैं कांग्रेस का आदमी हूँ ना मैं भाजपा का आदमी हूँ मैं अपनी लुगाई का आदमी हूँ सही बोल रहा हूँ कि राहुल में राजनीति की योग्यता नहीं है सोनिया ने भी दिल अभी किसी का जीता नहीं है मोदी के तेवर भी पहले से तीखे नहीं हैं अरविंद केजरीवाल की झाड़ू में सीखे नहीं हैं कि राहुल राहुल में राजनीति की योग्यता नहीं है सोनिया गांधी ने भी दिल किसी का जीता नहीं है मोदी के तेवर भी पहले से तीखे नहीं हैं अरविंद केजरीवाल की झाड़ू में सीखे नहीं हैं ममता बनर्जी के पास एकता की दवा नहीं है मुलायम सिंह की साइकिल में हवा नहीं है राजनीति राजनीति बदमाशों का खेल बन गई ईमानदारी बेईमानों की रखेल बन गई महंगाई की मार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है महंगाई की मार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है बेरोजगारी सबके सर चढ़ती जा रही है भ्रष्टाचार की ज्वाला प्रचंड हो गई भ्रष्टाचार की ज्वाला प्रचंड हो गई और देश की कानून व्यवस्था भी झंड हो गई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का प्यार मिला आभार